नमस्कार, खगोलीय दैवीय रहस्य यानी कि सेलेस्टियल डिवाइन मिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव रंजन। आज हम बात करेंगे डर के ऊपर, फियर। कितनी बड़ी चीज होती है कि इंसान की लाइफ में, कि इंसान की लाइफ का 90% हिस्सा इसी में दब के खत्म हो जाता है। वो कभी एक्सेल ही नहीं हो पाता, कभी उसका उदय ही नहीं हो पाता। डर इतनी बड़ी चीज, क्योंकि डर की वजह से ही इंसान उन्हीं मार्गों पे चलता है जिन पे पहले से लोग चल रहे हैं। उन्हें लगता है कि इतने सालों से लोग चल रहे हैं तो मार्ग अच्छा ही होगा, भले ही वो मार्ग कहीं जाके वो डेड एंड हो, कहीं कुंड में समाप्त हो, कहीं मौत में ख़त्म हो, कहीं यूजलेस जिंदगी का एक पाथ हो वो, लेकिन उस पे चल रहे हैं लोग, क्योंकि उनको लगता है बाकी लोग वहीं जा रहे हैं, हम भी उसी पे चलते हैं। तो आपको पाथ बदलने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो डर को हटाने की ज़रूरत है, और डर तभी आप हटा पाएंगे जब आपको पता चलेगा कि यू हैव ए लिमिटेड नंबर ऑफ डेज इन योर लाइफ। जिस दिन आपको पता चल गया कि इतने साल और हैं मेरी ज़िंदगी के, और सीरियसली उस पे आपने सोचना शुरू कर दिया, तो फिर धीरे धीरे डर आपसे दूर जाने लगेगी। नहीं तो डर के मारे आप बचपन से लेके बुढ़ापे तक सिर्फ वैसे काम करेंगे जो आपके दिल के करीब नहीं है, जो आप करना नहीं चाहते, लेकिन आपका घर परिवार, आपके पूर्वज, आपके संस्कार, आपके इतनी तरह के पंडित मुहूर्त, ये बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें शामिल हो जाती हैं, संस्कार, खानदान, बहुत सारे चीज़ आपको बोले जाएंगे कि तुम और ऐसा काम करोगे, तुम इस रास्ते पे चलोगे, तुम्हारे भाई चले, तुम्हारे पिताजी चले, तुम्हारे दादाजी चले, तो आप फिर वहाँ से ट्रैक चेंज कर लेंगे और उसी रैट रेस वाले एक जो ट्रेडमिल है जिसमें कि अभी दुनिया के 90% लोग चल रहे हैं, वो रैट रेस वाले ट्रेडमिल्स पे आप भी वहाँ चलने लगेंगे, और उसका गंतव्य, उसका डेफिनेशन, उसका जो कहाँ पहुँचना है, उसका गोल, उसका, अगर उस ट्रेडमिल पे आप चल रहे हैं तो आपको खुद ब खुद पता होगा। बरसों से जहाँ लोग पहुँच रहे हैं वहाँ आप भी पहुँचेंगे, तो इसके लिए आप तैयार। आपके अंदर डेयरिंग नहीं है, अगर आप डर के आगे नहीं जीते। डर क्या है? भगवान का डर, अच्छा कर्म, बुरे कर्म कौन तय करता है? क्या कुछ पंडितों ने तय करके रखा है कि ये अच्छा है ये बुरा है? क्या हमारे शास्त्र बताते हैं ये अच्छा है ये बुरा है? तो सबसे पहले जब तक आप ध्यान नहीं करेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा क्या अच्छा है और क्या बुरा है। आप सिर्फ मानेंगे, जानेंगे नहीं। आप मानेंगे जो कहीं लिखा हुआ है, किसी ने बोला है, पूर्वजों से चला हुआ है। तो एक छोटी सी जिंदगी है, अरबों खरबों साल के इस प्लेनेट पे 100 साल के लिए आप आए हैं, क्या होता है? एक पत्थर भी वहाँ पड़ा रहता है समुद्र के किनारे 100 साल तक, और आप चले जाते हैं, वो पत्थर वहाँ का वहाँ बना रहता है। एक बरगद का पेड़ है आपके गांव में, उदाहरण देख लीजिए ना, लगा हुआ है,
कब से लगा हुआ है? आपके पिताजी थे, दादाजी थे, परदादाजी थे, छेड़ दादाजी थे, उससे भी ऊपर थे, तब से लगा हुआ है। वो वहीं का वहीं है और आपने चार पीढ़ियाँ बदल दी, तो जीवन भी कुछ वैसा ही है। आप बहुत बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए आए हैं, लाखों अरबों साल की इस पृथ्वी पे बहुत ही छोटे समय के लिए, और उसमें भी वो अगर आप उस ट्रैक पे बिता रहे हैं, रैट रेस वाले ट्रैक पे कि जहाँ सब लोग जा रहे हैं, तो फिर आपकी ये मूर्खता है। आप जीवन में जिस चीज के लिए आए हैं उसको आप कर ही नहीं पा रहे हैं। अब तो सरकार भी 80 करोड़ लोगों को फ्री में भोजन दे रही है, तो फिर भोजन के लिए क्यों इतना मरना? अपनी आत्मा को क्यों गिरवी रख रहे हैं? एक बार फिर से सोचिए, जगिए, उठिए, और अपने आपने जिस गोल के लिए पैदा लिया है, जिस चीज के लिए बने हैं आप, उसमें लगिए। छोड़ दीजिए दुनिया यहाँ वहाँ। आप कल मर जाएंगे, आपको कोई याद भी नहीं करेगा, नाम से भी नहीं पुकारेगा। आपका क्या रिश्ता, संबंध, बीवी, बच्चे, सास ससुर, माता पिता, कोई नहीं है। आप सिर्फ एक बॉडी हो जाएंगे, आप रुखसत हो जाएंगे इस धरती से। 15 दिन, 20 दिन, 1 साल, 2 साल बाद सब भुला दिए जाएंगे आप, तो फिर उस कामों में क्यों पड़ना जिसकी लास्टिंग 15 दिन से 1 साल तक है? क्यों ना हो ऐसे काम करो जो लंबा चले, बहुत ही लंबा, बहुत ही लंबा, जो जन्मों जन्मों तक आपका साथ दे। जब भी आप पैदा हों तो आपको अफसोस ना हो कि पिछले जन्मों में मैंने क्या किया। आप उससे दिव्य पुरुष के रूप में आगे जन्म लें, तो उन कामों को अंजाम दें ताकि इस धरती पे भी सुखी रहें और मरने के बाद भी सुखी रहें। आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये पसंद आई है जानकारी, तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। नमस्कार। ओम नमः शिवाय।